ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जिससे आप मौत को भी मात दे सकते हैं। जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य को समर्पित कर देता है वो हिमालय को भी हिला सकता है। आज दुनिया में कई लोग आपको ब्रह्मचर्य से दूर रहने की सलाह देंगे, लेकिन आज मुझे सिर्फ 7 मिनट दे दीजिए। अगले 7 मिनट में मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि इस दुनिया में ब्रह्मचर्य से ज्यादा शक्तिशाली ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है। हमारे वेद और शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को एक उत्तम व्रत बताया जाता है। खुद भगवान भोलेनाथ ने भी कहा है, सिद्धे बिंदु महायत्ने किम न सिद्धु यति भूतले यस्य प्रसादन महिमा ममापिये तादसो भवेत। जिसका मतलब होता है कि जिसने भी यत्न पूर्वक अखंड ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर लिया उसके लिए इस पृथ्वी में कुछ भी असंभव नहीं होता। एक अखंड ब्रह्मचारी कुछ भी कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर भगवान शंकर खुद ब्रह्मचर्य को उत्तम बताते हैं तो ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति होगी। अर्थवेद में भी ब्रह्मचर्य को एक उत्कृष्ट व्रत बताया गया है। वैदिक शास्त्र में इसको परम बल कहा गया है। महाहठ योगी गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, कंत गया कु कामिनी झूरे बिंदु गया कु जोगी, यानी कि पति के वियोग में कामिनी तड़पती है और वीर्य पतन से योगी पश्चाताप करता है। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस ब्रह्मचर्य और उससे होने वाले फायदों को एक भ्रम बताती है। और कई सारे गुप्त रोग विशेषज्ञ आपको ये भी कहेंगे कि जिस तरह से खाना खाना आम बात है वैसे ही वीर्य का भेज आना या उससे बहाना आम बात है। लेकिन अगर सही में ब्रह्मचर्य एक भ्रम है तो फिर जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके आवाज में एक चुंबकीय आकर्षण और आंखों में तेज क्यों होता है? आखिर क्यों उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास झलकता है? जबकि इसका उल्टा जो लोग ब्रह्मचर्य नाश कर लेते हैं उनका चेहरा तेजहीन क्यों हो जाता है? इस दुनिया में ऐसे काफी सारे ब्रह्मचारी हो गए जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के दम पे दुनिया में भारत देश और हमारी संस्कृति का डंका बजा दिया था। लेकिन मैं भूतकाल में नहीं जाऊंगा, मैं आज की बात करूंगा। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि क्या कोई ऐसा ब्रह्मचारी है जिसने ब्रह्मचर्य के दम पे नामुमकिन को मुमकिन किया हो, तो ऐसे सवाल के जवाब में सिर्फ एक ही नाम दूंगा, योगी आदित्यनाथ जी। अब यहां तक का वीडियो देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों जरूरी है। लेकिन अब सवाल आता है कि ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें? कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन तो करना चाहते हैं लेकिन गंदे विचारों को रोक नहीं पाते, रात को वीर्यनाश हो जाता है और स्त्री आकर्षण से बहुत परेशानी होती है। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल है तो आगे का वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं आपके सभी सवालों का जवाब एकदम विस्तार से और आसान भाषा में देने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन फॉर यू ने आपके लिए लॉन्च किया है ब्रह्मचर्य अ ब्लेसिंग, जिसमें आपको 10 एक्सक्लूसिव एपिसोड्स मिलेंगे जिसमें वीर्य की शक्ति और ब्रह्मचर्य की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर बॉडी बनाने में मदद मिलेगी, स्किन और फेस ग्लो कर पाओगे, अपने ब्रेन को साफ कर पाओगे, मेमोरी पावर इंक्रीज कर पाओगे और इसमें मैथुन और गंदे वीडियोस की लत को दूर करने के लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पावरफुल योगा और मेडिटेशन के बारे में भी बताया गया है। ये कोर्स एक नॉर्मल स्टूडेंट को टॉपर और नंबर 1 स्टूडेंट भी बना सकता है। पूरा कोर्स देखने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और सिर्फ 499 रुपए में आपको ये पूरा कोर्स मिल रहा है। और अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो इसके साथ 2 ब्रह्मचर्य की फ्री ईबुक्स मिलेगी जिसकी कीमत 999 रुपए। तो इतनी सारी एजुकेशन और 2 ईबुक्स फ्री सिर्फ 499 में, तो जाओ और इनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी होता है उसकी शुरुआत हमारी अंदर की दुनिया से होती है। अगर आज आप खुश है तो उसकी शुरुआत आपके अंदर से हुई थी, और अगर आज आप दुखी है तो उसकी शुरुआत भी हमारे अंदर से हुई है। अंदर की दुनिया यानी हमारा मन। एक आदर्श ब्रह्मचारी के लिए अपने मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने सोच लिया कि आपसे आपको ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलना है तो सबसे पहले ये बात अपने मन को समझाओ। जैसे ही आप कीचड़ से निकल के साफ सुथरे होने की कोशिश करेंगे कि अपने आप ही गंदे विचार आपके दिमाग में आने लगेंगे। इससे बचने के लिए सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, क्योंकि किसी भी इंसान की जिंदगी का एकलौता मकसद सिर्फ गंदी चीजें देख के वीर्य बहाना तो नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी का मकसद पता करो। हो सकता है आप अपनी जिंदगी में बहुत पैसे कमाना चाहते हो, या फिर आपको अपने फील्ड में एक जीनियस बनना हो, या फिर आप किसी बड़ी सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हो। आपका जो भी मकसद है उसे अपने सामने रखो, लगातार उसके बारे में सोचो और उससे जुड़ी चीज को देखो। इस तरह से धीरे धीरे आपके दिमाग में अच्छी बातें भरने लगेगी और गंदी चीजें अपने आप गायब हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, मैं ये नहीं बता सकता कि इस काम में कितना समय लगेगा। आपका मन गंदी चीजों का आदि है तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन आपको ना तो निराश होना है और ना ही हार माननी है। बस एक बात को अपने दिमाग में रखना कि आप अपने अंदर की दुनिया बदल रहे हैं। जैसे ही अंदर बदलाव शुरू हुआ बाहर का बदलाव अपने आप हो जाएगा। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि आप एक दिन भी गंदी चीजों के बिना नहीं रह सकते। आपका हाथ अपने आप ही पेंट की जीप तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक और छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ, उसका अभ्यास करके देखना। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है और इसका सिंपल सा नाम है 1 2 3 1। यानी सबसे पहले आपको सिर्फ एक दिन के लिए गंदी चीजों से अपने आप को दूर रखना है। बस
एक दिन खुद को पूरी तरह से किसी और काम में उलझा लो, फिर एक दिन के लिए खुद को आजाद छोड़ दो और फिर अगले दो दिन के लिए फिर से अपने आप को सभी गंदी चीजों से दूर कर दो। ऐसे ही वापस एक दिन का ब्रेक लेके फिर यही चीज 3 दिन के लिए करनी है। जब आपके 3 दिन पूरे होंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप ये कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे सभी तरह की गंदी चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दो। 3 दिन की एक्सरसाइज पूरी होने के बाद आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होगा, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस इतना मजबूत नहीं होगा जितना होना चाहिए। अपने इस कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाने के लिए आपको रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका मन अपने आप शांत होगा और फिर आपका दिमाग गंदे विचारों की ओर भागना अपने आप ही कम कर देगा। तीसरा सबसे जरूरी काम है रात को समय पे सो जाना। दिन का समय हम इंसानों का होता है, पूरे दिन में हम अपने काम काज करते हैं, लेकिन फिर रात का समय निशाचरों का होता है। रात के वक्त हमें कभी भी अच्छे विचार नहीं आते, इसीलिए ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलने वाले हर एक इंसान को रात के समय मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक बार आप ये 3 चीजें कर ले फिर आपके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। मन को अपने नियंत्रण में करना काफी मुश्किल है और इसीलिए कई लोग ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चल पड़ते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो मात खा जाते हैं। अगर आप अपने ब्रह्मचर्य को अखंड रखना चाहते हैं तो अब मैं आपको जो 5 बातें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, शुरू शुरू में लोग स्वप्न दोष को लेके काफी परेशान होते हैं। अगर आपने ब्रह्मचर्य का रास्ता अपना लिया है और फिर भी आपको स्वप्न दोष हो रहे हैं तो घबराना नहीं है। अगर आप ब्रह्मचर्य के सारे नियम अच्छे से समझ के उसका पालन करेंगे तो स्वप्न दोष अपने आप ही बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, लड़कियों से जितनी हो सके कम बातचीत करें, इससे आपका मन भटकेगा नहीं और आप ब्रह्मचर्य का पालन आराम से कर पाएंगे। अपनी मूत्र इंद्री पे ध्यान ना दे। अक्सर जब हमारे दिमाग में कोई गंदा ख्याल आता है तो हमारा हाथ अपने आप ही नीचे चला जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपने मूत्र इंद्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। चौथी बात, कभी भी खाली ना बैठे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जैसे ही आपका दिमाग किसी काम से फ्री होगा तो अपने आप ही आपके दिमाग में गंदे ख्याल आने लगेंगे, इसीलिए कभी भी खाली नहीं बैठना है। ध्यान और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। ये 2 ऐसी चीजें जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। एक बार आप अपने मन से मजबूत हो गए तो फिर आपके सामने चाहे कुछ भी आ जाए आपका ब्रह्मचर्य भंग नहीं होगा। तो चलिए अब ब्रह्मचर्य के फायदे के बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल गिरने लगता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए यह आम बात है, लेकिन एक अखंड ब्रह्मचारी के जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंसान अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का सही तरीके से पालन करता है उसके शरीर में ऊर्जा कभी कम नहीं होती। बाहर से भले ही दिखने में वो आपको कमजोर या बूढ़ा दिखे, लेकिन उसके अंदर की एनर्जी किसी 20-22 साल के नौजवान जैसी होती है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये वो साइंटिस्ट कह रहे हैं जिन्होंने सद्गुरु जी के ऊपर कुछ टेस्ट किए थे। आप खुद भी इन्हें सुन सकते हैं। Some of the tests they have done on me and they are saying that my cellular age is 25. Well, I still am like 25, I'm maintaining the same level of activity, I'm maintaining the same weight, same everything. जो भी इंसान ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलता है उसके शरीर में बल के साथ जोश और उत्साह में भी वृद्धि होती है। एक ब्रह्मचारी का शरीर भले ही दुबला पतला दिखता है लेकिन उसकी मांसपेशियां इतनी ताकतवर होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो इंसान ब्रह्मचर्य को अपना आदर्श बना लेता है वो इंसान बाकी लोगों की तरह छोटी मोटी बीमारियों का शिकार कभी नहीं बनता। हमारा शरीर अपने आप में एक अजूबा है, कई बीमारियों की दवा तो हमारा शरीर अपने आप अंदर ही बना लेता है, जिसे हम इम्यूनिटी या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये क्षमता कम होती है तो कुछ लोगों के अंदर ज्यादा होती है। लेकिन अगर किसी आजीवन ब्रह्मचारी की बात करें तो उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी हो सकती है उसका तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। बस यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को साध लिया तो हर असाध्य रोग आपसे दूर भागेगा। क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि कोई निर्णय लेने के बाद आप उसमें अमल नहीं कर पाते, या फिर छोटे छोटे निर्णय लेने में भी आपको काफी दिक्कत आती है? ये समस्या इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की है। लोग या तो छोटे मोटे निर्णय लेने में काफी वक्त लगाते हैं या फिर एक छोटा सा निर्णय ठीक से नहीं ले पाते। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका कारण आपकी कमजोर मानसिक शक्ति है? अपने मन को शक्तिशाली बनाने की दवा आपको आज का मॉडर्न साइंस नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे तो बिना किसी दवा के भी आपका मनोबल अपने आप बढ़ने लगेगा। ब्रह्मचर्य जीवन जीने वाले इंसान के अंदर कभी भी मानसिक दुर्बलता नहीं आती और वो डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार कभी नहीं बनता। वो इंसान एक बार सोचता है, फैसला करता है और अपने उसी फैसले पे हमेशा अटल रहता है, और यही खूबी है ब्रह्मचर्य की। कभी आपने सोचा है कि आम लोगों के लिए किसी एक चीज या काम पे 1 मिनट के लिए भी ध्यान लगाना मुश्किल होता है? तो फिर निकोला टेस्ला और इसाक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट एक सब्जेक्ट पे अपना ध्यान कैसे लगा पाए होंगे? यकीन मानना, इस सवाल का जवाब आपके होश उड़ा देगा। निकोला टेस्ला और इसाक न्यूटन इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों में से जिन्होंने सदियों पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब कल्पना के परे जाके ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार किया था कि जिसके बारे में
में कोई सोच भी नहीं सकता था। और यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों भी ब्रह्मचर्य की शक्ति समझते थे और शारीरिक आकर्षण से दूर रहते थे। जो अपने युवा काल से ब्रह्मचर्य की असली ताकत समझ गए और अपने जीवन में एक लक्ष्य चुन लेते हैं, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस किसी न्यूक्लियर बम से कम नहीं होता। ऐसे लोग ना तो खुद कभी हार मानते हैं और ना उन लोगों को हार मानने देते हैं जो उनके साथ होते हैं। हमारा आज का नवयुवक भले ही मॉडर्न हो गया है, भले ही यंगस्टर्स टेक्नोलॉजी की मदद से आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और 30 साल की उम्र में ही करोड़पति बन जाते हैं, पर उनके जीवन में ब्रह्मचर्य ना होने की वजह से उन्हें कई सारी मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपनी युवावस्था को इंटरनेट पे मिलने वाले गंदे कॉन्टेंट की वजह से बर्बाद मत करो। ऐसी गंदी चीजें बनाने के लिए उन लोगों को तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन ऐसी वाहियात और बकवास चीजें देखने के बदले आपको एक चवन्नी जितना फायदा भी नहीं होता। उल्टा ब्रह्मचर्य नाश करने के कारण आपका जो नुकसान होता है उसे तो मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता। अभी भी वक्त है, जिंदगी में नई शुरुआत कभी भी की जा सकती है। इस वीडियो को भगवान का इशारा समझो और उस दलदल से बाहर आ जाओ जो तुम्हारी जवानी बर्बाद करने पे तुला है। स्त्री का सुंदर शरीर एक आकर्षण है, उसे पाके दुनिया में कोई सिकंदर नहीं बना। जो भी लोग स्त्री और काम वासना के मोह में पड़े हैं उन्होंने अपनी जिंदगी बस खराब करके रखी है, तो आज से आप संभल जाओ। चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।